आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में रिलीज हुई एक अमेरिकन सुपर हीरो मूवी जिसका नाम है ब्लैक एडम। मूवी की स्टार्टिंग में हम 5000 साल पहले की कहानी देखते हैं, जब खानदाक नाम का एक शहर हुआ करता था और ये काफी विकसित और शक्तिशाली देश था। लेकिन फिर आक्टोन नाम के एक राजा ने इस शहर पर राज करना शुरू किया, लेकिन उसे पावर की भूख थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। जब उसे शैतानी शक्तियों को काबू करने का राज पता चला तो उसने अपने ही लोगों को बंदी बना लिया और उनसे इटर्नियम नाम के एक एलिमेंट की खुदाई करवाने लगा ताकि उससे ऐसा ताज बनवा सके जो पूरे 5 शैतानों की शक्तियां संभाल सके। एक दिन एक मजदूर को इटर्नियम का एक बड़ा टुकड़ा मिलता है। वो उसे लेकर सैनिकों के पास जाता है और उनसे उसे ढूंढने के लिए अपना इनाम मांगता है, लेकिन वो लोग बदले में उसे ही मार देते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने राजा के खिलाफ जंग छेड़ देता है, पर उसका विरोध ज्यादा ना बढ़े इसीलिए वो राजा उसे मारने का हुक्म देता है। पर जैसे ही वो उसे मारने वाले थे वो गायब हो जाता है और जादूगरों के संगठन में आ जाता है, और वो जादूगर तय करते हैं कि वो उस लड़के को भगवान की शक्तियां देंगे ताकि वो उस राजा से लड़ सके। इसके बाद वो बच्चा ब्लैक एडम बन जाता है और उस राजा के साथ लड़ाई में उसका पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। इसके बाद ब्लैक एडम को किसी ने नहीं देखा और ऐसा माना जाता है कि जब जब खानदाक को उसकी जरूरत पड़ेगी वो वापस आएगा। इसके 5000 साल बाद हम खानदाक शहर को देखते हैं जिस पर अब इंटरगैंग नाम का एक आतंकवादी संगठन उस पर राज करता है और उनका शहर अभी भी आजाद नहीं हो पाया था। इसके बाद हम एड्रियाना को देखते हैं जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। वो अपने शहर को इंटरगैंग के लोगों से आजाद करवाना चाहती थी, जिसके लिए उसे वही क्राउन चाहिए था जो आज से 5000 साल पहले उनके शहर में कहीं खो गया था। उसकी तलाश में वो और उसकी टीम रेगिस्तान में ऊंचे पहाड़ों के बीच में आते हैं और एड्रियाना उन गुफाओं में लिखी प्राचीन भाषा को पढ़कर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी इंटरगैंग के लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके भाई को पहाड़ियों से गिराकर मार देते हैं। एड्रियाना को वो ताज मिल जाता है, लेकिन जब वो उसे लेकर नीचे आती है तो इंटरगैंग के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। वो उससे वो ताज छीन लेते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी वो उसके नीचे रखी एक कब्र पर लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने लगती है और इसी के साथ ब्लैक एडम एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। वो लोग उसके ऊपर फायरिंग करते हैं पर गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। एक आदमी उसके पास जाने की गलती करता है और ब्लैक एडम उसे जलाकर राख कर देता है। वो सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मार रहा था, लेकिन वो एड्रियाना को कुछ नहीं करता क्योंकि उसी ने उसे कैद से बाहर निकाला था। लेकिन इस लड़ाई में इस्माइल के ऊपर चट्टान गिर जाती है और वो मारा जाता है। ब्लैक एडम इसके बाद गुफाओं से बाहर आता है और उसे रोकने के लिए बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसके ऊपर मिसाइल से हमला करते हैं पर उसे एक खरोच भी नहीं आती। ब्लैक एडम उसे एक एक करके मारने लगता है जैसे वो उसके लिए बच्चों का खेल हो। एड्रियाना उस ताज को लेकर बाहर निकलने लगती है पर तभी उसके सामने एडम आता है। वो उसे देखते ही अपनी कार के शीशे ऊपर कर लेते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर ब्लैक एडम पर इटर्नियम मिसाइल से हमला करता है और उस धमाके में उसे चोट लग जाती है। वो उस सोल्जर को मारने के बाद वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हम इस्माइल को देखते हैं जो उस गुफा में अभी भी जिंदा था और वो इंटरगैंग के लोगों के साथ मिला हुआ था। इसके बाद हम दूसरे सुपर हीरोज को देखते हैं जो खुद को जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका कहते थे। जब उन्हें पता चलता है कि ब्लैक एडम जाग गया है और शहर में तबाही मचा रहा है तो वो उसे रोकने के लिए जाते हैं। उनकी टीम में शामिल थे कार्टर, जिसके पास एक पक्षी जैसा सुपर हीरो सूट था, कैंट जो एक जादूगर था और भविष्य को देख सकता था, मैक्सिम जो हवा को अपने काबू में कर सकती थी, और एटम स्मैशर जो अपना साइज बड़ा कर सकता था। ब्लैक एडम को जब होश आता है तो एड्रियाना के घर में था। उसका बेटा एमोन ब्लैक एडम से उसकी पावर्स के बारे में बात करने लगता है, लेकिन उसे उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है। जब वो बाहर देखता है तो उसका शहर पूरी तरह से बदल गया था क्योंकि उसे सोए हुए 5000 साल हो चुके थे। एड्रियाना उसे बताती है कि उसका शहर आज भी आजाद नहीं है, इंटरगैंग ने उन पर कई सालों से कब्जा कर रखा है। वो एडम से मदद मांगती है लेकिन वो उसे कहता है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है। एमोन उसे कहता है कि आज के समय में सुपर पावर्स होना बड़ी बात है और तुम इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तुम जिन्हें जानते थे वो अब मर चुके हैं और इसके अलावा तुम करोगे भी क्या। ब्लैक एडम अपने स्टैचू के पास आता है जो शहर के लोगों ने बनाया था। उसे देखकर उसे पिछली बातें याद आने लगती हैं। जस्टिस सोसाइटी उसे रोकने के लिए खानदाक आ रही थी। कैंट उन्हें बताता है कि हमें बस उसके मुंह से शज़ाम बुलवाना है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स खो देगा और हम आराम से बैठकर उससे बात कर पाएंगे। इसके बाद एमोन जानबूझकर इंटरगैंग के लोगों को उकसाता है ताकि ब्लैक एडम उसे बचाने के लिए आए। जब एडम देखता है कि एमोन खतरे में है तो वो इंटरगैंग के लोगों को मार देता है और कुछ को तो हवा में लेकर उड़ जाता है। कैंट देखता है कि एडम उसके सामने था
और वो उन दोनों को आसमान से गिरा देता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन कार्टर उन्हें बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और इसके बाद वो अपने सूट को पहनकर उन दोनों को बचा लेता है। खानदान के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर कार्टर उन्हें कहता है कि इन्हें कानून पनिश करेगा। लेकिन तभी ब्लैक एडम उन दोनों को बिजली का झटका देकर मार देता है। इसके बाद कैंट उसे वार्निंग देता है कि वो सरेंडर कर दे, नहीं तो वो मारा जाएगा। पर एडम इतनी आसानी से नहीं झुकने वाला था, वो उन्हें खुद से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद कार्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो एडम के सामने कुछ नहीं था, एडम उसे बुरी तरह मारता है। कैंट अपने मैजिक से एडम को इल्यूजन दिखाने लगता है और कार्टर मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करता है। इसके बाद एडम को बहुत गुस्सा आ गया था और वो कार्टर को उड़ा उड़ा के मारता है। जब एडम स्मैशर और मैक्सिम उसे मार खाता देखते हैं तो वो उसे बचाने के लिए आते हैं। वो सभी मिलकर एडम को जोर से पकड़ लेते हैं और एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तभी ब्लैक एडम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जोर का धमाका होता है और वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। एडम उनके ऊपर दोबारा से हमला करने वाला था, लेकिन एडम स्मैशर उसे जोर का पंच मारकर उसे अपने हाथों के नीचे दबा लेता है, पर वो उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। एडम उसे एक जोर का पंच मारता है और एडम स्मैशर बेहोश होकर गिर जाता है। खानदान के लोग उसे देख रहे थे और वो उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि अब वो उसे अपना हीरो मानने लगे थे। लेकिन एडम उस महल की ओर जाता है जहां पर वो कभी राज करता था। कैंट उन्हें कहता है कि हम उससे नहीं जीत सकते। उसे पता था कि सेबैक का क्राउन एड्रियन के पास है, वो उससे वो क्राउन वापस मांगता है, लेकिन एड्रियन उसे क्राउन देने से मना कर देती है। वो उन्हें कहती है कि जब इंटर गैंग के लोग उन पर 27 सालों से राज कर रहे थे तो तुम सब कहाँ थे, और जब हमें बचाने कोई आया है तो तुम उसे रोकना चाहते हो। पर कैंट उसे कहता है कि हमारे पास ब्लैक एडम का इतिहास है और वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुमने उसके बारे में कहानियों में सुना है, क्योंकि उसी ने 5000 साल पहले अपने शहर को बर्बाद किया था। एमोन अपने घर आता है जहाँ इस्माइल उसका इंतजार कर रहा था। वो करीम को मार देता है, लेकिन एमोन उस क्राउन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। एड्रियाना ब्लैक एडम से पूरी सच्चाई जानना चाहती थी और उसे पता चलता है कि उसे क्राउन से कोई मतलब नहीं था, वो बस बदला लेना चाहता था। लेकिन उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद जादूगरों ने ब्लैक एडम को उन शक्तियों के काबिल नहीं समझा और उससे उन शक्तियों को छीन कर उसे कैद कर दिया। जस्टिस सोसाइटी एडम की शर्तों को मानने के लिए तैयार थी, लेकिन वो इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला नहीं था और वो उन्हें खानदान से दूर रहने को कहता है। एड्रियाना के पास एमोन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि इंटर गैंग के लोग उसके पीछे पड़े हैं और इस्माइल भी उसके साथ मिला हुआ है। इसके बाद वो ब्लैक एडम से अपने बेटे को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। वो लोग उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन एडम एमोन को बचा लेता है। एडम उनके साथ लड़ाई कर रहा था और मौका देखते ही इस्माइल एमोन को किडनैप कर लेता है। उनके पास इटर्नियम से बनी सुपर बाइक्स थी जिसकी रफ्तार बहुत तेज थी। एडम उनका पीछा करता है और एक एक बाइक की छानबीन करता है और जिसमें एमोन नहीं होता था वो उसे बर्बाद कर देता है। वो इससे शहर में होने वाली तबाही के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। वो बाइक्स एडम के शरीर के आर पार भी जा सकती थी। अब बस एक आखिरी बाइक बची थी। एडम उसका पीछा करता है, लेकिन वो देखता है कि एमोन उसके अंदर भी नहीं था, क्योंकि इस्माइल ने उसे बहुत चालाकी से वहाँ से बाहर निकाल दिया था। कैंट करीम के पास आता है और उसे बताता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे। कैंट एडम से कहता है कि तुम उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं उनका दिमाग पढ़कर एमोन की लोकेशन का पता लगा लूंगा। पर एडम ने तो उन सभी को मार दिया था। कार्टर ने उनमें से दो लोगों को बचा लिया था और एडम से कहता है कि हर बार लोगों को मारना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। लेकिन एडम कहां उसकी मानने वाला था। वो उन दोनों को ऊपर ले जाता है और जो उसके सवालों का जवाब नहीं देता उन्हें नीचे गिरा देता है। कार्टर को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, और फाइट करते करते उन्हें वो क्राउन मिलता है जिसे एमोन ने छिपा दिया था। वो उसे अपने शिप में लेकर जाते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जिंदगी ही मौत का एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसका मतलब उन्हें भी नहीं पता था। एड्रियाना कहती है कि जब तक उसका बेटा नहीं मिल जाता वो सभी मिलकर काम करेंगे। कैंट कार्टर को बताता है कि हम में से कोई एक इस लड़ाई में मारा जाएगा, लेकिन वो कौन था उसे नहीं बताता। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं, लेकिन एडम को उनके प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अकेला ही उन सभी को मारने जाता है। वो इस्माइल को देखता है, उसने खुद को इटर्नियम की शील्ड से बचा कर रखा था जिसके पार एडम भी नहीं जा सकता था। इस्माइल उनसे वो क्राउन मांगता है, नहीं तो वो एमोन को मार देता। एड्रियाना उसे वो ताज देने जाती है और ब्लैक एडम भी कार्टर को उसे रोकने के लिए मना करता है। क्राउन मिलने के बाद इस्माइल बताता है कि वो राजा आंड
पठानकोट का ही वंश है और अब उसे इस क्राउन से वो शक्तियां मिलेंगी जिसके सपने कभी उसके पूर्वजों ने देखे थे। वो एमोन को भी शूट कर देता है पर इसके साथ ही वो शील्ड को भी बंद कर देता है और इससे पहले वो बुलेट एमोन को लगती एडम उसे रोक लेता है और उसके गुस्से से वहां पर जोर का धमाका होता है जिसमें उन्हें छोड़कर सभी लोग मर जाते हैं, यहां तक कि इस्माइल भी। एडम ने एक बार फिर से इतनी तबाही की थी। वो कार्टर को बताता है कि जादूगरों ने कभी उसे नहीं चुना था बल्कि उन्होंने उसके बेटे हुरूद को खानदाक को बचाने के लिए चुना था और उसने राजा को भी कई बार हराया लेकिन उस राजा ने उसे मारने का सोचा जो उसके बेटे जितना ताकतवर नहीं था। उसने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया लेकिन जब हुरूद ने मुझे अधमरी हालत में देखा तो उसने सब कुछ छोड़कर मुझे बचाने का सोचा और उसने अपनी सारी पावर्स उसे दे दी लेकिन उसके ऐसा करते ही राजा के लोगों ने उसके बेटे को मरवा दिया और शहर के बीच में जो पुतला है वो ब्लैक एडम का नहीं बल्कि हुरूद का था। लेकिन एडम डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे की कुर्बानी जाया नहीं जाने देगा। उसने इन शक्तियों से सिर्फ तबाही मचाई है इसीलिए वो कार्टर से कहता है कि वो अपनी शक्तियों को छोड़ देगा क्योंकि हर ताकतवर आदमी हीरो नहीं होता। इसके बाद एडम अपने इंसानी रूप में आ जाता है जिसके बाद वो एडम को अपने सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं जो पानी के नीचे था। वो उसे एक हाइबरनेशन टैंक में रखते हैं ताकि वो शज़ाम बोलकर दोबारा से अपनी पावर्स ना ले पाए। लेकिन केंट देखता है कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी उनका फ्यूचर चेंज नहीं हुआ था। वो कार्टर को बताता है कि इस लड़ाई में तुम मारे जाओगे पर कार्टर उसे कहता है कि वो मरने से नहीं डरता। एड्रियाना ताज पर लिखे मैसेज को डिकोड कर लेती है और उन्हें पता चलता है कि इस्माइल ने जानबूझकर अपने आप को मरने दिया क्योंकि उस मैसेज का मतलब था मौत ही जिंदगी का एकमात्र जरिया है और मरने के बाद वो शैतानों की दुनिया में पहुंच गया था जिसके बाद उसे उसकी शैतानी शक्तियां मिल जाती हैं। वो पानी के अंदर से दोबारा निकलता है। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसके अंदर से आग निकल रही थी। कार्टर उसके पास आता है और उस पर हमला करता है लेकिन सबाक उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सभी मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे और सबाक को उस राजा की कुर्सी तक पहुंचना था ताकि वो अपनी सेना को धरती पर ला सके। केंट कार्टर से कहता है कि तुम इस लड़ाई में मारे जाओगे लेकिन फिर भी उसे मरने का कोई डर नहीं था। केंट उस महल के चारों ओर एक शील्ड बना देता है ताकि कार्टर अंदर ना आ सके और वो डिसाइड करता है कि वो कार्टर की जगह खुद उससे लड़ने जाएगा ताकि वो कार्टर का फ्यूचर चेंज कर सके। वो सबाक से लड़ने जाता है लेकिन उसे भी पता था कि वो नहीं जीत पाएगा। वो एडम से टेलीपैथी के थ्रू बात करता है और उससे सबाक को रोकने के लिए मदद मांगता है। वो उसे आजाद कर देता है लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी उसे रोकने लगती है। वो एडम पर गोलियां भी चलाते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है लेकिन बीच समुद्र में वो बेहोश हो जाता है और वापस से ब्लैक एडम नहीं बन पाता। केंट सबाक से फाइट कर रहा था लेकिन वो ज्यादा देर उसे रोक नहीं पाता और आखिर में वो कमजोर पड़ जाता है और सबाक उसे मार डालता है। इससे पहले बाकी सुपर हीरोज उसे रोक पाते सबाक अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और अपनी सेना को जिंदा कर देता है। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो समुद्र की गहराइयों से बाहर निकल गया था। वो शज़ाम बोलता है और उसे उसकी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। सबाक हुरूद के स्टैचू को तोड़ देता है। वो टूटकर शहर के लोगों पर गिर रहा था लेकिन तभी एडम वहां आता है और उन्हें बचा लेता है। उसके और सबाक के बीच में फाइट होती है और ये पहली ऐसी फाइट थी जिसमें एडम बुरी तरह पिट रहा था। उसे रोकने के लिए कार्टर उस पर हमला करता है पर वो उसे भी मार देता है लेकिन ये सब एक इल्यूजन था और वो केंट के हेलमेट का इस्तेमाल करके सबाक को पकड़ लेते हैं। एडम उसके क्राउन को उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत पावरफुल था और आखिर में ब्लैक एडम उसके शरीर के दो टुकड़े कर देता है और सबाक दोबारा अपनी दुनिया में लौट जाता है। उसके साथ उसकी सेना भी खत्म हो जाती है और इस तरह खानदाक शहर अब सभी से आजाद हो चुका था। कार्टर डिसाइड करता है कि वो वापस लौट जाएगा। एड्रियाना उसे कहती है कि अब वो खानदाक का राजा बन सकता है और ब्लैक एडम उस सिंहासन पर बैठता है लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि ये गलत है और उस सिंहासन को डिस्ट्रॉय कर देता है। एडम डिसाइड करता है कि वो इस शहर का राजा ना कर इसका रखवाला बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा वॉलर एडम को अपना मैसेज भेजती है और उसे धमकी देती है कि अब खानदाक ही उसकी जेल है और वो कभी भी उसके बाहर ना जाए। एडम उसे कहता है कि इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोक सकता है पर अमेंडा उसे कहती है कि हमारे पास तुम्हें रोकने के लिए इस दुनिया से बाहर के लोग भी हैं। और तभी वहां सुपरमैन आता है जो एडम से कहता है कि हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।